चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। गर्म हवा का पहला झोंका, बदल रहा है मौसम सारा, तपता सा है हर नजारा। चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। चुपती चलती गर्मी का मौसम आया, चुपती चलती खमोरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे ठंडे गर्मी कूल का। वाराणसी में लगातार दूसरे दिन हंगामा मचा हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में 1000 पुलिस कर्मी तैनात हैं, लेकिन हंगामा थमता नहीं दिख रहा है। ये हंगामा मचा हुआ है एक सर्वे को लेकर। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जानी है। शुक्रवार को कोर्ट कमिश्नर एक टीम के साथ ज्ञानवापी पहुंचे थे, लेकिन यहां उनका जबरदस्त विरोध हुआ, जिस कारण सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया। आज भी कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम सर्वे के लिए मस्जिद पहुंची और काम आगे बढ़ाया। आज भी उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बीच मुस्लिम पक्ष की ओर से एक याचिका कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें अजय मिश्रा को हटाने की मांग की गई, साथ ही सर्वे कार्य भी रोकने की मांग की गई है। सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की अदालत में याचिका पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर सोमवार को फैसला आएगा, लेकिन सर्वे पर रोक लगाने की मांग आज ही खारिज कर दी गई। सर्वे रिपोर्ट 10 मई तक कोर्ट को सौंपी जानी है। मुस्लिम पक्ष की दलील है कि कोर्ट ने मस्जिद परिसर में बने चबूतरे की वीडियोग्राफी के आदेश दिए थे, न कि मस्जिद के अंदर के। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा निष्पक्ष नहीं है, उन्हें बदला जाए। इस मामले को लेकर पूरे प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इसे लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि सेशन कोर्ट की ओर से सुप्रीम कोर्ट की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। इस आदेश से कोर्ट 1980-1990 के दशक की रथ यात्रा के दौरान हुए टकराव और मुस्लिम विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देने का रास्ता खोल रही है। सर्वेक्षण करने का ऑर्डर 1991 के पूजा स्थल अधिनियम का खुला उल्लंघन है। ये विवाद ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी से जुड़ा है। पिछले साल ही 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी में पूजा पाठ करने की अनुमति के लिए अर्जी दाखिल की थी। कोर्ट ने सही स्थिति का पता लगाने के लिए ज्ञानव्यापी मस्जिद का सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया था, जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ। की राजनीति का इतिहास बताता है कि यहां हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन अब की बार कांग्रेस इसे बदलकर जीत का इतिहास लिखने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि गहलोत सरकार ने अभी से जनता को लुभाना शुरू कर दिया है। सरकार पेंशन के जरिए लोगों को अपने पाले में करने का प्लान बना रही है। 5.5 लाख कर्मचारियों के हित को देखते हुए राजस्थान सरकार ने फिर से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला किया है, लेकिन उनकी ये योजना दिल्ली आकर अटक गई है। वजह है 39,000 करोड़ रुपए के लिए केंद्र ढूंढना। दरअसल 1 अप्रैल 2004 से तत्कालीन केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को बंद करके नई पेंशन स्कीम यानी NPS लागू की थी। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल रही है, इसलिए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में इसी वित्त वर्ष से पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से लागू करने का फैसला किया, मगर केंद्र इसे हरी झंडी दिखाने को तैयार नहीं है। इसे लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उन्होंने लिखा कि मोदी जी, राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से आपको क्या तकलीफ है? आप इनके हक के रास्ते में चाहे जितने रोड़े अटका दें, लेकिन आप उनसे इनका हक नहीं छीन सकते। इधर पूरे मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौर ने पलटवार करते हुए गहलोत सरकार के OPS लागू करने के फैसले को आधी अधूरी तैयारी करार दिया है। इस सियासत के बीच कहा जा रहा है कि न्यू पेंशन स्कीम के खिलाफ अब राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। अब देखना होगा कि कोर्ट चुनाव से पहले इस मामले पर क्या फैसला सुनाता है, लेकिन अगर ये फैसला गहलोत सरकार के पक्ष में आ गया तो बीजेपी को बैकफुट पर आना होगा। तेलंगाना दौरे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का अलग ही अंदाज देखने को मिल रहा है, जिससे साफ है कि राज्य में कांग्रेस मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस बार तरीका जरा हटके होगा और इस बात के संकेत दे रहे हैं सांसद राहुल गांधी के बयान।
राहुल गांधी कांग्रेस को नई दिशा और दशा देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी के इस दौरे में कई अड़चनें पैदा की गईं, लेकिन राहुल गांधी ने दूसरा रास्ता चुनकर छात्रों तक अपनी बात पहुंचा दी। राहुल को उस्मानिया विश्वविद्यालय नहीं जाने दिया गया तो राहुल गांधी जेल पहुंच गए। हैदराबाद की चंचलगुड़ा जेल में जाकर राहुल गांधी ने NSUI के प्रदेश अध्यक्ष वेंकट बालमूर और 18 अन्य छात्र नेताओं से मुलाकात की। इन नेताओं को उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तेलंगाना के युवाओं से कांग्रेस में शामिल होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और राज्य की प्रगति के लिए कांग्रेस के साथ जुड़े। राहुल गांधी ने कहा, मैं तेलंगाना के युवाओं को कांग्रेस पार्टी में शामिल होने और राज्य की गतिशीलता को बदलने के लिए आमंत्रित करता हूं। सोनिया जी ने आपके साथ तेलंगाना का सपना देखा और आपको राज्य का दर्जा दिया। कांग्रेस को नुकसान हुआ, लेकिन हम सच्चाई के लिए लड़ने के लिए आपके साथ खड़े हैं। जहां राहुल ने नए लोगों को कांग्रेस से जुड़ने की अपील की तो वहीं पुराने नेताओं को हिदायत भी दी। राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा, अगर आप काम करते हैं तो आपको इनाम मिलेगा, अगर आप काम नहीं करेंगे तो वर्षों के अनुभव के बावजूद कांग्रेस टिकट नहीं देगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में टिकट बंटवारा जमीनी प्रतिक्रिया पर आधारित होगा, यानी राहुल गांधी के तेवर इस बार कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कांग्रेस को राज्य में मजबूती मिलना